हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में और वो एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर लेक्चर में देने वाले हैं। अब बेस्ट वे है एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने का इंग्लिश में कुछ इस तरह से कि वो एक वर्ड है, ठीक है, वो एक वर्ड है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है या क्लैरिफाई करता है। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन को क्लेरिफाई करता है, बेटर क्लैरिटी देता है या फिर अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। इस तरह से आप उसकी एक छोटी सी व्याख्या या डेफिनेशन करते हैं और वो और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसे कि पीपल, थिंग्स, आइडियाज, नाउन्स और प्रोनाउंस। बहुत ही इंग्लिश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में एडजेक्टिव्स को समझना और किस तरह से यूज करते हैं, बिकॉज वो एसेंशियल एस्पेक्ट है इंग्लिश का। तो चलिए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है हमें नाउन्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉमन नाउन का ले सकते हैं जैसे कि कप, और हम देख सकते हैं कि उसके कितने तरीके हैं इंग्लिश में उसे डिस्क्राइब करने के, उस पर्टिकुलर कप को, एडजेक्टिव, अलग अलग एडजेक्टिव्स को यूज करने के। तो पहला आपके सामने है, हम कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट कप। यहाँ पे जब आप बोलेंगे ग्रेट कप, तो ग्रेट जो वर्ड आपने यूज़ किया है वो कप के बारे में आप एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये एक एडजेक्टिव आपने यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल किया। फिर अब जब आप कहेंगे इट्स अ बिग कप, तो यहाँ पे आप कप की साइज बता रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द कप, ठीक है। और अगर आप शेप बताना चाहें कप का, तो आप कह सकते हैं इट्स अ राउंड कप और इट्स एन ओल्ड कप। ओल्ड कप आप बताएंगे तो एज बता रहे होंगे आप इस पर्टिकुलर कप की, और या फिर आप कलर बताना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं इट्स अ वाइट कप या फिर इट्स ब्रोकन कप। जैसे कि आप उस कप के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि आपको टूटा पाया आपने कप, आप कहेंगे इट्स ब्रोकन कप। तो ब्रोकन एडजेक्टिव है। और अगर आप मटेरियल बता रहे हैं उस कप का, तो आप इस तरह से कुछ कहेंगे कि इट्स अ प्लास्टिक कप और इट्स अ मेटल कप, जो भी हो। या फिर इट्स अ कॉफी कप, जब आप कॉफी कप कहेंगे तो आप बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कप का पर्पस जो है उसको यूज करने का कॉफी के लिए, बट कॉफी है एक नाउन, बट इन दिस पर्टिकुलर केस उसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया क्योंकि हम उस कप के बारे में बता रहे हैं कि ये कॉफी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आपको, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सारे एडजेक्टिव्स जितने भी हमने देखे वो नाउन से पहले प्लेस किए गए। क्या हम नाउन के बाद एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हैं? तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एट्रीब्यूट पोजीशन है। एट्रीब्यूट पोजीशन उसे कहते हैं जहाँ पे एडजेक्टिव्स हम बाद में लगाते हैं, नाउन के बाद में लगाते हैं। नाउन के बाद में जब एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है तो उसे एट्रीब्यूट पोजीशन कहते हैं। एडजेक्टिव फाउंड बिफोर द नाउन आर द एट्रीब्यूट पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेडिकेटिव पोजीशन, जहाँ पर एडजेक्टिव्स को नाउन के जो है बाद में लगाया जाता है, फाउंड आफ्टर द नाउन, इट्स कॉल्ड प्रेडिकेटिव पोजिशन, ठीक है। पहले जो हमने देखा यहाँ पर एट्रीब्यूट, वो नाउन के पहले लगाते हैं तो उसे एट्रीब्यूट पोजिशन कहते हैं, और नाउन के बाद में लगाते हैं तो उसे प्रेडिकेटिव पोजिशन कहते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, जैसे कि द गर्ल इज नाइस। सो एडजेक्टिव नाइस है जो रेफर कर रहा है सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द गर्ल, बट यहाँ पे वो प्लेस किया गया है आफ्टर द वर्ब टू बी, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आया, माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी, माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी। द सेम थिंग जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, हैप्पी एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है आपको, आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को, माई स्टूडेंट्स, तो इसे आफ्टर द वर्ब हमने प्लेस किया है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम आसानी से एडजेक्टिव को सेंटेंस में ढूंढ पाते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए, आई एम अ टॉल मैन, आई एम अ टॉल मैन। क्या आपको यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव इस सेंटेंस में नज़र आ रहा है? आई होप आपने स्पोर्ट किया, वो है टॉल, टॉल। वो आपको इन्फॉर्मेशन बताता है उस पर्टिकुलर मैन की हाइट के बारे में। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास है, आई एम अ ब्रिटिश मैन, आई एम अ ब्रिटिश मैन। क्या आपको इसमें कोई एडजेक्टिव स्पोर्ट हो रहा है? तो वो है ब्रिटिश, बिकॉज वो इस पर्टिकुलर मैन की ओरिजिन के बारे में बता रहा है। द नेक्स्ट वी हैव, आई हैव ब्लॉन्ड हेयर, आई हैव ब्लॉन्ड हेयर। इसमें कोई एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा है? तो वो है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड इस कलर के
हेयर की टाइप के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। माई आईज आर ब्लू, माई आईज आर ब्लू। अभी आपको इसमें कोई स्पॉट्स हुआ ऑब्जेक्टिव, तो वो है ब्लू, बिकॉज ब्लू आईज की कलर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है आई एम नाइस, आई एम नाइस। अगेन कोई स्पॉट हुआ आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, ओके, तो वो है नाइस, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड। क्या आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दिखा? अगर दिखा तो वो कहाँ? आई होप आपने गैस किया होगा, इट इज कोल्ड। कोल्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है जो वेदर के बारे में बता रहा है कि वेदर ठंडा है, ठीक है ना। नाउ अपने हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उनमें जो फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स थे, जैसे कि आई एम अ टॉल मैन, आई एम अ ब्रिटिश मैन, आई हैव अ ब्लोंड हेयर, ये तीनों एग्जांपल्स एट्रीब्यूट पोजीशन के हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट पोजीशन गाइस आई होप आपको याद होगा, जो एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं उन्हें एट्रीब्यूट पोजीशन कहते हैं। हमने जो आखिरी तीन एग्जांपल्स देखे, माय आईज आर ब्लू, आई एम नाइस, द वेदर इज कोल्ड, ये तीनों प्रेडिकेटिव पोजीशन, ठीक है। प्रेडिकेटिव पोजीशन आपको याद होगा जो नाउन के बाद में आते हैं, आखिर में आते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दैट्स इट इन दिस सेशन। और गाइस एनी फीडबैक रिगार्डिंग दिस सेशन प्लीज डू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दी बेल नोटिफिकेशन। और आप सेशन के लिए कोई भी फीडबैक या क्वेरी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।